अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हेयर और आज का टॉपिक जो है वो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त एमडी के मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो जिसमें इतने ज़्यादा एमसीक्यूज तो नहीं है, कोई लगभग 5 एमसीक्यूज हैं, इससे आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा और कि एमसीक्यूज़ किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। मैंने चैप्टर रिप्रोडक्शन चूँकि अभी रिसेंटली मैं पढ़ा रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है, तो उसी रिप्रोडक्शन के चैप्टर से मैंने एक टॉपिक सिर्फ उठाया। उस टॉपिक से, जस्ट एक टॉपिक से मैंने 5 एमसीक्यूज़ बना लिए, तो सोचा कि इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि एमसीक्यूज़ आते हैं तो फिर उस पर किस तरह से सोचना पड़ता है, उसको किस तरह से उसको सॉल्व करना है, उसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है। मैंने आसान नहीं बनाया, कुछ थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है ताकि जो वीडियो मैंने बनाई है उसका मुझे कुछ फ़ायदा मिले, यानी इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग हो जाए। तो मैं इसे आसान भी बना सकता एमसीक्यूज़, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने वो किया हुआ है, तो अब आप देखेंगे। अब आप देखें, यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज है उसमें मैंने 2 फिल इन द ब्लैंक्स वो किया हुआ, इंटर किया हुआ है। डैश इज अ प्रोसेस वेयर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द फॉलिकल। अब ये पहले आपने ये बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें अंडा जो है वो फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। अब उसके बाद क्या करें, एंड इट्स ड्यूरेशन इज, यानी उसका उस प्रोसेस का टाइमिंग कितना है। तो अब नीचे मैंने उसके वो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDE। यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ रटा ही काफ़ी नहीं है कि आपने कहीं से कोई 100-200 एमसीक्यूज या 1000-2000 एमसीक्यूज आपने रट लिए हुए, आप खुश हैं। इसका मतलब ये है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए टॉपिक का पढ़ना समझना लाजमी है। तो देखो, जिसने पढ़ा हो कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें फॉलिकल से अंडा रिलीज हो जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा था, वो था ओव्यूलेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओव्यूलेशन आना चाहिए, ये ओव्यूलेशन। अब आप इसमें देखें कि इसके बाद हम दूसरे की तरफ आ जाते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। इस ओव्यूलेशन का दौरानिया कितना है, टाइम इसका कितना है, ओव्यूलेशन जिसमें अंडा निकाला हो तो वो टाइम 5 दिन है, 5 घंटे हैं, 5 मिनट है, वो कितना है। अब आप देखें, ए में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन एंड 5 डेज, ये बिल्कुल गलत है, मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं सकता, 5 दिन भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टाइम है 5 दिन। लेबर पेन भी नहीं हो सकता, 5 मिनट भी नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, लेस देन 5 मिनट इन ओव्यूलेशन। अब आप देखिए, जो काम की बात है वो इसमें मौजूद है, लेस देन 5 मिनट उसका टाइमिंग है और उस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन है, लेकिन फिर भी ये गलत है, ये गलत है। इसकी वजह मैं बताता हूं, ये डी क्या करे, ओव्यूलेशन इन लेस देन 5 मिनट दोनों इसके अंदर मौजूद है। ओव्यूलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, लेस देन 5 मिनट उसका टाइमिंग है, तो इसमें भी दोनों ऑप्शन मौजूद है लेकिन ये करेक्ट है, उसमें भी दोनों ऑप्शन है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। यहां बात सीक्वेंस की है, तरतीब से, क्योंकि शुरू में जो है वो प्रोसेस ओव्यूलेशन है तो स्टार्ट भी ओव्यूलेशन आना चाहिए, बाद में लेस देन 5 मिनट तो वो आना चाहिए। तो इस तरह के एमसीक्यूज का भी आपने ख्याल रखना है। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताना है बल्कि उनका स्टाइल भी बताना है कि किस किस तरह से उनका स्टाइल आता है। दूसरा है, विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द ओव्यूलेशन अकर। अब आपको पता है कि फीमेल के बॉडी के अंदर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, या वो जो पूरा एक साइकिल है एक महीने का 28 डेज का होता है, अब ओव्यूलेशन उसमें किस दिन पे आता है तो वो आपने देखना है, ठीक है, किस दिन। हम पता है ओव्यूलेशन क्या है लेकिन उसका दिन कौन सा है, पहला है, पांचवा है, दसवां है, 12 है, 20 है, 28 है, कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, डे 5, डे 10, डे 14, डे 28। इस तरह के एमसीक्यूज को जो है रटना पड़ता है, यानी आपको हिफ्स होना चाहिए कि वो कौन सा दिन, हालांकि आपने किताब में भी पढ़ा होगा लेकिन पढ़ने के बाद बंदा भूल तो भी सकता है। लेट्स सपोज आपको पता चल गया कि ये 10वां दिन है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा ना।
तो इसी तरह के एमसीक्यूज भी आएंगे एंट्री टेस्ट में, जिसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जो अगर नंबर आ जाए, टाइमिंग टाइम आ जाए, कहीं पर टाइम पूछ रहे हैं, कहीं पर नंबर पूछ रहे हैं, तो वो उसको आप हिफ्ज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डे 14, जो 14वां दिन है, 14th डे है, उसमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि ओवुलेशन हो जाए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर सी। अच्छा, जिस दिन मैं किसी दिन बताऊंगा भी कि वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, वो भी आएगा। अच्छा, उसके बाद है थर्ड, ओवुलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन डैश 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 विच इज रिलीज फ्रॉम द डैश पार्ट ऑफ द डैश ग्लैंड। इसको मैंने थोड़ा और भी, हालांकि बड़ा आसान है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मुश्किल बनाया है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, टेस्ट आपने देना है, आप ही को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं अभी मुश्किल कर रहा हूं ताकि उधर आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। जिस स्टूडेंट ने टॉपिक्स को आराम से, अच्छे अंदाज से पढ़ा हो ना, तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, बाकी वो खुद कर पाएगा। अब देखो, ओवुलेशन एक हार्मोन के अंडर आता है, और वो कौन सा हार्मोन है वो हमें पता है कि वो हार्मोन कौन सा है। इधर बहुत सारे हार्मोन है, FSH है, LH है, FSH, LH। तो अब आपके सवाल के अंदर आप देखिए कि कम से कम हार्मोन, सिर्फ दो हार्मोन का जिक्र हो रहा है, या तो वो FSH होगा या LH होगा, यहाँ पर आपने डिसाइड करना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यार ये FSH है कि क्या है, ये LH है, सॉरी ये LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडे को रिलीज करता है ओवुलेशन में। तो एक तो मैं ये चेक करूँ, कभी मुझे बाद में याद आ जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा, विच इज रिलीज, अब ये हार्मोन खुद भी कहीं पर तो निकलता है ना, जिस्म में कहीं पर निकलता है, किसी ग्लैंड से निकलता है। अब वो ग्लैंड का नाम क्या है, अब ग्लैंड का नाम आप देखें, ये आखिरी खाली जगह है, थर्ड खाली जगह, तो थर्ड यहाँ पर आपने देखना होगा, ये थायराइड ग्लैंड, ये पिचूटरी, पिचूटरी, अब तीन जगहों पे पिचूटरी, एक थायराइड है, तो इनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने पढ़ा है ये भी, तो भी आपको पता चलेगा पिचूटरी भी है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पिचूटरी ही लिखेंगे, ये पिचूटरी ग्लैंड है, पिचूटरी ग्लैंड है यहाँ पर। अब पिचूटरी ग्लैंड, जैसा कि आपको पता है कि उसके वो जो ग्लैंड है उसके तीन पार्ट्स हैं, एक उसका दरमियाना हिस्सा है, एक उसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये उसका पोस्टीरियर हिस्सा है पिचूटरी का, और ये उसका इंटीरियर पार्ट है। तो ये जो हार्मोन है ये किस तरफ से निकलता है, इंटीरियर से या पोस्टीरियर से निकलता है, तो इसका आंसर क्या है, वो इंटीरियर पोस्टीरियर, वो ये इंटीरियर पार्ट यहाँ से निकलता है, ठीक है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीरियर पार्ट लिखेंगे। आपने लिखना नहीं है, आपने लिखना तो नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ फिल करना है, या ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो FSH तो है ही नहीं यहाँ पर, LH है, तो इस ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन जो है वो LH है, तीसरा स्टार्ट FSH से हो रहा है। देखो इसको आगे पढ़ने के बजाय आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि यार इधर LH है तो शुरू में LH आना चाहिए, तो आपका MCQs या तो ये LH होगा या ये बी होगा या डी होगा। FSH चूंकि स्टार्ट में उसको आपको पता है कि, तो इस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है इन ऑप्शन को पढ़ने में, ठीक है। इसे आपको हिंट मिला कि आपका जवाब या तो बी है या डी है, अब इनमें आपने सेलेक्ट करना है। तो वो देखो यहाँ पर LH में पोस्टीरियर पिचूटरी है या पर इंटीरियर पिचूटरी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इंटीरियर पिचूटरी, दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये हम क्रॉस कर लेते हैं, ये आपका करेक्ट होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटीरियर पिचूटरी से होगा। फोर्थ पे है द रप्चर्ड फॉलिकल। अब आपको पता है कि हमने कहा था कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल ये जो फॉलिकल है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जेर असर ये इसमें अंडर रिलीज हो जाता है, यहाँ से जैसे यहाँ से अंडर रिलीज हो जाता है ओवन, एग यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। अब ये जब रह जाएगा रप्चर्ड फॉलिकल, अंडर निकलने के बाद जब ये रह जाएगा, इसको बोलते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, यानी ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि ये रप्चर्ड हो गया तो अब इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब इसका शेप चेंज हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कॉर्पस
कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा अब वो ये कह रहा है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, अब कहता है ये किस हार्मोन के नतीजे में ये बन जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो क्या ये प्रोजेस्टेरोन है या LH है या इंसुलिन है, तो हम बोले कि ये कौन सा हार्मोन करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडा निकालने में भी मदद देता है और साथ ही साथ इसके बाद ये जब कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में तब भी ये काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं करता। इंसुलिन तो बिल्कुल है नहीं, इसमें इंसुलिन तो जो है वो शुगर में है, वो पेंक्रियाज का हार्मोन है। रिप्रोडक्शन में जो हमने हार्मोन देखे तो मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद है। अच्छा जनाब अब फिफ्थ क्या है, द रोल ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉर्प, अब देखो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका किरदार क्या है, ये भी हमने पढ़ा था वीडियो में, पढ़ा था बुक से भी पढ़ा था, इसका किरदार क्या है। इट बिकम्स ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर हो जाएगा और एंजाइम सिक्रीट करना शुरू करेगा। अब जाहिर है जिसने पढ़ा नहीं है वो बेचारा क्या करेगा या क्या करेगी, वो तो किसी एक पर तुक्का लगाएगी उनको, क्योंकि ये सारे के सारे मिलते जुलते हैं, इनके फंक्शन ही को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा तभी आप अंदाज़ा करोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, अगर कम पढ़ाई हुई इधर उधर कहीं नज़र से गुजरी ही है ये टॉपिक तो भी आप कम से कम एटलीस्ट गेस तो कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि वो एंजाइम निकालना शुरू करे, ये कभी एंजाइम नहीं निकालता। इट इज़ डीजनरेटेड एंड डिसअपियर, ये डीजनरेट ख़त्म और बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो ये भी तो नहीं हो सकता, गायब तो नहीं होता हो, कुछ बन जाता है। इट बिकम्स ग्लैंडुलर, अच्छा ये ग्लैंडुलर हो जाएगा यानी ग्लैंड्स, और निकालना शुरू करेगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालना शुरू, ये क्या हो सकता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसको बनाया था अब ये खुद इसको बनाए, तो ये नहीं हो सकता। ये जो आखिरी ऑप्शन इट बिकम्स ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर तो सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन निकालना शुरू करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन वाला जो है ये सही है कि ये आप यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकालना शुरू करेगा, प्रोजेस्टेरोन फिर उस यूटेरस का जो वॉल है उसकी हिफाजत करेगा, उसको वैस्कुलराइज करेगा आने वाले बच्चे के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि जो पहला है उसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, तो यहाँ पर मैं डी लिख लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे में सी करेक्ट है तो ये आ गया सी, जबकि थर्ड में हमारे पास डी करेक्ट है और फोर्थ में हमारे पास बी करेक्ट है, फाइव में हमारे पास फिर से डी करेक्ट है, तो डी सी डी बी डी इस तरह से ये ऑप्शन हो गए। ये था एक आइडिया, ये मैंने पूरे चैप्टर से नहीं उठाया, ये एक ओवल्यूशन से, मैं चाहता तो ओवल्यूशन से और भी एमसीक्यूज उठा लेता। कहने का मकसद ये है कि आप लोग कितने एमसीक्यूज रट लोगे, एक ओवल्यूशन एक टॉपिक एक टॉपिक है उसमें इतने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये तो आज ये तो वैसे वो एमसीक्यूज जिसे मैंने बना लिए अपने जहन से बना लिए, मैंने किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं उठाया, मैं बस बुक पढ़ा और ये खुद बना लिया। तो जब ये बना लिया इसका मतलब ये कि जो दूसरे लोग जो टेस्ट बनाते हैं वो अगर उन्होंने पढ़ा हो और जाहिर है तो फिर वो भी तो एमसीक्यूज बनाएंगे, यानी जरूरी तो नहीं है कि जिस कॉपी में जिस किताब में एमसीक्यूज हो लोग वही एमसीक्यूज उठा लें। ठीक है चांसेस है कि जिनके पास हमारे पास कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ है, लोग जब टेस्ट बनाते हैं 5,000-10,000 एमसीक्यूज है तो उनको रैंडमली उठाते हैं, रैंडमली पिक करते हैं जो भी आ जाएगा, ठीक है वो भी सही है, लेकिन मैं उस चीज़ से थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि बजाय ये कि किसी कंप्यूटर से डेटा निकाल के आप एंटी टेस्ट के लिए एमसीक्यूज बनाए, वो यार सालों का पड़ा हुआ डेटा है एक सारा, उसमें वो जंग लगा हुआ है, कुछ लोग बैठेंगे एक्सपर्ट लोग बैठेंगे वो किताब को देकर उनसे एमसीक्यूज बनाएंगे तब मज़ा आता है। लेकिन मैं जो आपकी तैयारी आपके लिए तो तैयारी करा रहा हूँ, अगर कि कोई शख्स कंप्यूटर से निकाल दे कोई टेस्ट कोई बात नहीं है, उसमें भी यही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको आता होगा। अगर किसी शख्स ने अपने जहन से फ्रेश एमसीक्यूज बना लिए हैं तो भी आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, बस आपने ये काम करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो, आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह सिलसिला तो जारी नहीं होता, क्योंकि ये 3 साल 2 साल मैंने हफ्ते में एक एक लेक्चर बमुश्किल रिकॉर्ड करना है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम प्रॉपर तरीके से इस पूरे सिलसिले को स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह।